The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। यहाँ से तैंतीस आसन है, यहाँ तक सिर्फ रेस्क्यू किया गया है, वन विभाग की टीम द्वारा सिर्फ यहाँ तक रेस्क्यू किया गया है और तेंदुआ आगे भी गया है, आगे रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, सवाल यही खड़ा होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जागृति विहार के कीर्ति पैलेस कॉलोनी में, जहां पर तेंदुआ देखने की, जहां के लोगों ने तेंदुआ दिखने का दावा किया है। आइए बात करते हैं इनसे कि कहां कहां इन्होंने तेंदुआ देखा है। आपका नाम सर? ओमपाल सिंह। अच्छा, आपने यहां तेंदुआ देखा है? देखा गया। कहां देखा है, किधर देखा है? ये आ रहा है इधर से और इधर को घूमता हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी एक बार दिखाएं किधर से। ये रास्ता चमक रहा आपको? ये रास्ता नाले की साइड साइड आके और ऐसे पटरी पटरी चला गया सड़क के किनारे। ये भी है, यहाँ पर किसी ने देखा, ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने देखा है। हाँ, देखा था, वहाँ एक लड़का है आगे, उसने देखा भी था। अच्छा, तो यहाँ से निकल के गया है वो, उसने आगे देखा था, फिर आगे यहाँ पर कैमरे वगैरह चेक किए तो सब में वो दिखा है, बार बार कई कैमरे लगे हुए हैं। तो गार्ड है यहाँ पर, उस टाइम पर आपने देखा है? मैं उस टाइम पर नहीं था, मैं दिन में आया हूँ, सुबह उन्होंने सब कहा कि 1:30 बजे आया और फिर 1:30 बजे मैंने इनको तोमर साहब बुलाया, तोमर साहब ने कैमरे देखे जब गया। तो क्या अब आप आगे भी ऐसे ही अपनी नौकरी करेंगे, मतलब रात में आपको खौफ नहीं आएगा? खौफ तो डरलो सबको लगता है, ऐसी बात नहीं है, किसी नहीं लगता। तेंदुआ देखे जाने के बाद, जैसे यहां पे तेंदुआ देखा गया, उसके बाद अब क्या करेंगे? रात में गेट बंद करेंगे, अपने अंदर बैठेंगे और क्या करेंगे। राहुल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है तेंदुआ इधर से होते हुए आया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर से होते हुए आकर ऐसे वो यहाँ से ऐसे गुजरता हुआ गया है। राहुल, आइए जानते हैं राहुल ठाकुर से ही कि उन्होंने देखा है तेंदुआ या किसी की बताई हुई या फिर कैमरे में देखा हुआ वो बता रहे हैं। तो राहुल ठाकुर, आप बताएं कि आपने देखा है तेंदुआ खुद से? मैम, मेरे को 8:30 बजे वीडियो फुटेज के आधार पर पता लगा, हम लोग आए भी, हमने देखा भी उसे, बिल्कुल ऐसे डॉग की तरह, बिल्कुल काला, बिल्कुल गीला है और इतनी दहशत है यहाँ के लोगों में। और बिल्कुल वन विभाग की टीम भी आई थी और कीर्ति पैलेस के पहले गेट वो कैमरे में आया, उसके बाद सेकंड कैमरा यहाँ है, अमेरिकन किड्स स्कूल आया है उसके अंदर भी कैमरा। टीम यहाँ पर आई, वन विभाग की टीम आई थी, उनके जो है खाली झोली है कि इससे पहले भी हमने फर्स्ट बाइट ने चलाया था, अब अजगर पकड़ के दिए थे 100-100 किलो के, उसके बाद इन्होंने कहा हम पकड़ेंगे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी जो है तेंदुआ यही है, किसी बड़ी घटना का वन विभाग को इंतजार है, नहीं तो यहाँ पे कॉम्बिंग हो रही होती इस वक्त। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक रेस्क्यू? कीर्ति पैलेस से लेके और बस यहाँ इसी वैगनार, कीर्ति पैलेस चौकी से लेके और इस वैगनार तक ही रेस्क्यू करा है और अभी कोई रेस्क्यू नहीं चला। वो तेंदुए के होने की आशंका कहाँ तक जताई गई है? वो यही है तेंदुआ, कहीं नहीं गया। कहाँ तक, कितनी आगे तक? आगे बस 500 मीटर की दूरी पे ही आगे, 1 किलोमीटर आगे रेस्क्यू सिर्फ यहाँ तक किया गया है और वो भी फॉर्मेलिटी करके चले गए कि हम देखेंगे। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस नहीं आई, पुलिस नहीं आई, पुलिस कौन कह रहा नहीं है, पुलिस की चौकी बराबर में कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तो सुनने में आया कि पुलिस फोर्स तैनात की गई। कहाँ है तैनात? आप भी कम्प्लीट कर लीजिए, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक घूम लीजिए, अगर आपको पुलिस फोर्स दिख जाएगा। तेंदुआ आगे गया है? तेंदुआ गया, वीडियो फुटेज सिर्फ यहाँ तक रेस्क्यू हुआ है। मुझे आप तो यहाँ से वन विभाग के अधिकारी जो यहाँ पर आए थे, जो वर्कर्स यहाँ पर आए थे, उनसे किसी ने कहा नहीं कि आगे कहा उनसे? वो तो कानों पे डालते हैं, हम सोमवार को डीएम साहब से मिलेंगे इस मामले में और मैंने कहा भी है भैया तुम जो है इसे पकड़ो और हमारी तरफ से नंदिनी सेवा संस्थान द्वारा 5100 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा, पकड़ के तो दो। कहाँ पकड़े जा रहे हैं तेंदुआ, किसी बड़ी घटना का इंतजार है? मेरे साथ छात्र नेता विनीत चपराना भी था अपनी टीम के साथ, विनीत चपराना भी ने भी कहा कि आप ये कॉम्बिंग करिए, आप क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, चले गए। यहाँ से तेंदुआ आया है और यहाँ तक सिर्फ रेस्क्यू किया गया है, वन विभाग की टीम द्वारा सिर्फ यहाँ तक रेस्क्यू किया गया है और तेंदुआ आगे भी गया है, आगे रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, सवाल यही खड़ा होता है। अभी के लिए इतना ही, कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं निलोफर अंसारी, फर्स्ट राइट टीवी। Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut.